हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका, जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनेता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा में दो दिन के वीकेंड लॉकडाउन पर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि रविवार को पहले भी लॉकडाउन लागू रहता था, यह सिर्फ एक ही दिन का लॉकडाउन है। और वहीं जगह जगह खुली मार्केट पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि अगर मार्केट को लेकर कोई दिक्कत है तो प्रशासन उसे अपने स्तर पर देखेगा। विज ने कहा कि शनिवार और रविवार को लगे लॉकडाउन को लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है और कहीं अगर विरोध किया जा रहा है तो ये उनका एजेंडा है। वहीं पाक मंत्री के एटम बम हिंदुस्तान पर गिराने की धमकी देने वाले बयान पर अनिल विज ने कहा कि ऐसे ख्याली पुलाव पाकिस्तान के मंत्री बनाते रहते हैं और बेतुकी बातें करने के लिए पूरे विश्व में माने जाते हैं। प्रदेश में कोरोना है वो काफी बढ़ गया, 1000 के करीब रोजाना नए केसेस जुड़ रहे हैं, तो उसमें रोक लगाने के लिए बीच में ब्रेक देना जरूरी था, इसलिए केवल 2 दिन का ब्रेक दिया गया। 2 भी ना मान के 1 दिन का ही ब्रेक है, क्योंकि 1 तो छुट्टी होती थी, 1 दिन का ब्रेक है और लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। कहीं कहीं कुछ लोगों की अपना एजेंडा होता है, उसके हम कुछ नहीं कहना चाहते। तो लोगों को क्लियर नहीं होता, बंद रहता था या एसेंशियल सर्विस में क्या क्या आ रहा है, वो क्या किसी चीज को खोल पाए? नहीं, इतनी देर से लॉकडाउन हो चुका, एसेंशियल सर्विस का सबको पता कि कौन कौन सी एसेंशियल सर्विस है। ऐसा है, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं या पाकिस्तान के जो नेता हैं वो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं और बेतुकी बातें करने में आज सारे विश्व में वो जाने जाते हैं। वीकेंड का 2 दिन का लॉकडाउन कहीं पर सफल नजर आया तो कहीं पर असफल नजर आया। कहीं पर इस लॉकडाउन के चलते लोग जिम्मेदार नजर आए तो कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। इसी बीच वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अभी तक कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खोला गया और न ही सरकार ने अभी तक कोचिंग सेंटर खोलने के कोई आदेश जारी किए। तो वहीं यमुनानगर में सभी नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। जब प्रशासन की टीम पहुंची तो टीम ने कोचिंग सेंटर का शटर खुलवाया तो एक के बाद कई छात्र निकले, जिसे देखकर प्रशासन की टीम भी हैरान रह गई। तो देखिए किस तरह से ये जो वीकेंड पर 2 दिन का लॉकडाउन है इसका उल्लंघन किया जा रहा है। और कोचिंग सेंटर में आप देखिए यहां पर छात्र छात्राएं पढ़ते हुए नजर आए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई एक कोरोना संक्रमित मिलेगा तो ये संक्रमण किस तरह से फैल सकता है। हालांकि छात्र छात्राएं मास्क लगाए हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के आदेशों का उल्लंघन आप देखिए कोई शिक्षण संस्थान ही कर रहा है, जहां बतौर शिक्षा तमाम नियमों का पालन करना सिखाया जाता है, तमाम आदेशों का पालन करना सिखाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों को रोकने के लिए गृहमंत्री अनिल विज की ओर से कल ट्वीट किया गया था और बताया गया था कि प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी दफ्तर बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, केवल जरूरी सामान वाली दुकानें ही खुली नजर आएंगी। तो इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि नियमों की पालना न करने पर दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी असमंजस में दिखे, दुकानदारों में भी इस आदेश को लेकर रोष देखने को मिला। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उन्हें इसकी सूचना पहले नहीं दी गई और समय पर इसकी सूचना दी गई,
और कहना है कि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करने पर बाकी सप्ताह में 5 दिन बाजार में भीड़ बढ़ेगी तो संक्रमण तब भी ज्यादा होगा। गृहमंत्री अनिल विज ने कल यानी कि शुक्रवार शाम को ट्वीट किया था और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने तमाम जनता तक ये बात पहुंचाई थी कि शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन इसी बीच आप देखिए कि शनिवार को ये दुकानें खुली नजर आई। सरकार के फैसले के बाद व्यापारी वर्ग खासा आक्रोशित भी नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही वो बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं। इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब एसेंशियल सर्विस को जारी रखने के आदेश जारी किए गए हैं तो फिर शराब के ठेके खुले हुए क्यों नजर आ रहे हैं? संक्रमण को देखते हुए कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि हरियाणा में शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, जिसके बाद आज इन आदेशों की अनुपालना शुरू कर दी। लेकिन व्यापारी वर्ग इससे खासा आक्रोशित नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले लॉकडाउन के चलते वो पहले ही बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं, ऐसे में इसे व्यापारी तुगलकी फरमान बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि शराब की जो दुकानें हैं वो एसेंशियल सर्विस में कब से आने लगी। हालांकि ये जरूरी बात यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है कि बहुत बड़ा राजस्व का हिस्सा जो है वो गुरुग्राम जो हरियाणा प्रदेश है उसे बहुत बड़ा राजस्व हरियाणा सरकार को जरूर मिलता है। जब पिछली बार लॉकडाउन किया गया था तब भी हरियाणा में सबसे लेट ठेके बंद कर दिए गए थे। अब ऐसे में जो गुरुग्राम के व्यापारी हैं वो इस पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्रालय शराब के ठेकों पर कब निर्णय लेता है। गुरुग्राम से कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ मनोज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज। दो दिन के इस लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि केवल जरूरी दुकानें ही खुली नजर आएंगी, लेकिन कई जगह हैं जहां पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और शराब के ठेके खुले नजर आए। तो वही बात अगर पानीपत की करें तो पानीपत में भी प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, यहां शराब के ठेके खुले दिखाई दिए। गुरुग्राम मुकलाना ही नहीं बल्कि पानीपत में भी ये इस तरह दारू के ठेके खुले हुए नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शराब के ठेकों की जरूरत दुकान से ज्यादा है? देखिए, पानीपत में जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मौतें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं। आज इस समय 905 एक्टिव केस हैं, तो उसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अनिल विज का एक ट्वीट आया था, जिसके बाद सभी मार्केटें जो है बंद कर दी। आप देख सकते हैं कि सारी मार्केटें जो हैं वो बंद हैं। सिर्फ इसके अंदर जो है स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, जिसमें मेडिकल स्टोर है, लेकिन कहीं भी शराब के ठेकों के बारे में जिक्र नहीं किया गया कि वो बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि शराब के ठेके खुले हुए हैं और लगातार शराब बिक रही है, लेकिन पहले भी सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है इस मामले को लेकर। कहीं ना कहीं ये आदेशों की धज्जियां हैं या आदेशों का उल्लंघन है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इस गाइडलाइन में ये क्लियर नहीं किया कि ये शराब के ठेके खोले जाएं या बंद रहें। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो वही प्रदेश के कई जिलों में शराब के ठेके खुले हुए नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि तब सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं तो शराब के ठेके बंद क्यों नहीं हैं? तो वहीं फरीदाबाद में भी शराब विक्रेता जमकर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बल्लभगढ़ में शराब की लगभग सारी दुकानें खुली हुई पाई गई। आपको बता दें कि गृहमंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। और आज से अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिन तक भगवान गणपति की पूजा अर्चना होती रहेगी
और इसी बीच आज से शुरू हुए गणपति उत्सव को लेकर हर साल की तरह इस बार भी पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बड़ी ही धूमधाम से अपने निवास स्थान पर गणपति की स्थापना की। स्थापना से पहले गणपति जी की शोभा यात्रा भी ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई और फिर मंत्र उच्चारण के साथ गणपति की स्थापना की गई। पूर्व मंत्री के अनुसार लगातार 5 दिन तक ये गणपति उत्सव उनके यहाँ मनाया जाएगा, जिसके दर्शनों के लिए लोगों को खुला निमंत्रण दिया गया है। इस दौरान भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणपति गजानन के दर्शन भी कर सकते हैं। पांच सालों से रेगुलर गणपति बापा हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और फैजाबाद के लोगों को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना विश्व में जो महामारी फैली है इसके चलते लॉकडाउन, जैसे कि आज सैटरडे संडे को भी लॉकडाउन का ऐलान हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री अनिल विज जी ने किया है, उसके तहत बहुत ही सादगी के रूप में बाबा को घर पर लाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक व्यक्ति आकर यहाँ पर दर्शन करें और बाबा का आशीर्वाद लें। और सभी लोगों से मैं विनती करूँगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको मेंटेन रखें और परमपिता परमात्मा से सब लोग प्रार्थना करें कि इस कोविड महामारी से इस विश्व को मुक्ति दिलाने का काम करें, कोई ना कोई इसका इलाज, कोई वैक्सीन और लोगों को इस महामारी से मुक्ति दें। कोरोना महामारी के चलते जितने भी त्यौहार फिलहाल आए हैं वो सभी फीके ही नजर आए हैं, तो कोरोना ने त्यौहारों की रौनक को भी कम किया है। इसी बीच बहादुरगढ़ में भी गणपति बप्पा की भक्ति के रंग नजर आए हैं और जिले में सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा को फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में ये जो मूर्ति है 64 फीट ऊंची है और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा साल 2016 में गणपति धाम में 64 फीट की स्थापित की गई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणपति के धाम में इनकी स्थापना की गई है। हवन यज्ञ के साथ गजानन गणेश को मोदक का भोग भी दिया गया। पुजारियों ने शास्त्रीय विधि विधान से पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना काल में मंदिरों में भीड़ की अनुमति नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गणेश चतुर्थी की गणेश धाम में धूम नजर आई। बारिश जब भी आती है तो एक ओर गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन दूसरी ओर किसानों के चेहरे कई बार बारिश से मुरझा जाते हैं तो कई बार खिले हुए नजर आते हैं। बादली में किसान खेतों में पानी भरने से चिंतित हैं, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खराब होने की कगार पर है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्दी पानी निकासी के प्रबंध नहीं किए गए तो वो सड़क जाम करने पर मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि एक ओर जहां वर्तमान में धान, ज्वार, बाजरा और गन्ने की खेती डूबने के कगार पर है, तो वहीं दूसरी ओर अगली फसल में गेहूं और सरसों के साथ साथ गाजर की बिजाई भी नहीं हो सकेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि वो घरों से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और पुलिसकर्मियों को भी लगातार मुस्तैद किया जा रहा है कि जो भी बिना मास्क के नजर आए उनका चालान करें। इसी बीच रेवाड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि कार्यालय में आए लोगों में कोरोना का जरा भी डर नहीं नजर आया। कार्यालय में लोग बिना किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए और बिना मास्क लगाए नजर आए। बता दें कि बीमा पॉलिसी के तहत बाजरा और कपास की फसलों में बारिश और रोग से होने वाले नुकसान के कारण सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। फसलों में नुकसान का मुआवजा लेने के लिए अलग अलग गांवों के किसान कृषि कार्यालय में पहुंचे और आवेदन करने के लिए इकट्ठा हुए। बीमा से मिलने वाले मुआवजे का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि कार्यालय में 72 घंटे के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी ऑफिस में एक तो ज्यादा बारिश होगी इसलिए आए हैं और दूसरी बात होगी कपास रोग में रोग लग रहा है, उस रोग को के लिए एसडीओ साहब से मैं मिला हूं और उससे मैंने कही है, उसने कहा एक दो दिन में हम मीटिंग करके आपको बुलाएंगे बता दें। तो किस चीज़ के फार्म भरे जा रहे हैं? ये फार्म भरे जा रहे हैं जो बाजरे से फसल खराब हुई है और जो पानी भर गया जिन खेतों में उनके लिए, क्योंकि बीमा का पैसा बहुत ज्यादा कट रहा है। 1600 रुपये कपास के कटे हैं और 320 के लगभग बाजरा का कटा से, इसलिए किसान अपनी
फार्म भर रहे हैं और फार्म भर के साथ साथ कपास में जो नुकसान हुआ है जो सूख रही है। कहते हैं कि शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है, शिक्षा से हम समाज में सकारात्मक दिशा ला सकते हैं, लेकिन जो आज के समय में पढ़े लिखे लोगों की कार्यशैली देखी जा रही है, वीआईपी लोगों की ओर से जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, वो वाकई उनके शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। ऐसी तस्वीर पंचकुला के पिंजौर से सामने आई, जहां देर रात एक होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल जबरन महिला के घर में घुसने की हिमाकत करने लगा। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे पिंजौर निगम जोन की वार्ड 4 की रथपुर कॉलोनी में होमगार्ड के आईजी हेमंत कंसल पर लोगों ने शराब पीकर दो महिलाओं और एक लड़की के साथ हाथापाई और मारपीट करने लगा। आईजी की वॉलंटियर महिला को कंजली ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे शराब पीकर आईजी हेमंत कंसल उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी में आया और उसके घर की घंटी बजाने लगा। उसके बाद आईजी हेमंत कंसल घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ मारपीट करने लगा। जैसे ही उसकी बेटी को बचाने की कोशिश की गई तो कंसल ने उसके साथ भी धक्का मुक्की की और हाथापाई शुरू की। और चलिए इसे भी शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। उस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा दे, ट्रिपल मर्डर केस के साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, गुरुग्राम से बड़ी खबर। इसी के साथ आपको ये बता दें, मास्टरमाइंड अमित की मां और उसका चाचा गिरफ्तार किया गया है, बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने बाला देवी और नरेंद्र पाल को गिरफ्तार किया है, तो गुरुग्राम से बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बाला देवी और नरेंद्र पाल ने रची थी हत्या की पूरी साजिश, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह से ये मामला सुलझाया गया, किस तरह से आरोपी पकड़े गए हैं, किस तरह से साजिशकर्ता गिरफ्तार किए गए? देखिए, 20 तारीख को लगभग शाम के 5 बजे 3 युवकों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे गुरुग्राम में सनसनी फैल गई थी। आज पुलिस, गुरुग्राम पुलिस की जो क्राइम टीम है, उन्होंने इसको, इनके जो साजिश करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्लॉट का एक जमीनी विवाद चल रहा है। इस प्लॉट के पीछे अभी तक 5 हत्याएं हो चुकी हैं और जो इसके मुख्य साजिश करता थे उसी को आज दो लोगों को आज गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आगे उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। जी मनोज, पुलिसकर्मियों की ओर से किस तरह की कार्यशैली बरती गई, किस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये मर्डर को अंजाम दिए गए थे, तीसरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद जो खुफिया तंत्र था पूरी तरह से एक्टिवेटेड था और उसके बाद लगातार वो निगरानी कर रहे थे, पूरी सिचुएशन का मुआयना कर रहे थे और उसके बाद उनकी जो कार्यशैली है पुलिस की, खुफिया तंत्र की मदद से उन्होंने ये पाया कि ये साजिश करता है और उसके बाद इन्हें वहां से गांव से गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस की अभी भी 4 टीमें जो है, क्राइम टीम, वो लगी हुई है हथियारों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहां पर जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उनके साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। जमीनी विवाद में 3 युवकों की हत्या की गई थी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।